हेलो एवरीवन, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट उदयपुर के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर विनोद टांक, रसायनज्ञ। 12 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट पर जितने भी सारे केमिस्ट्री के सारे जितने भी टॉपिक हैं वो आप मुझसे सारे पढ़ेंगे, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आपका जेई हो, चाहे आपका सीयूटी हो, चाहे आपका जेट आईसीआर हो, जितने भी सारे टॉपिक है केमिस्ट्री के आप मुझसे पढ़ेंगे। इवन मैं आपको जनरली बता दूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। मैं बच्चों को केमिस्ट्री का जो आपका सिंपल से जो मीथेन है, जस्ट लाइक CH4 जिसको अपन बोलते हैं, वो मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों को नहीं आता है। इट मीन्स बच्चों को जीरो लेवल से अपर लेवल तक, चाहे जेही एडवांस तक का हो, वो सारे टॉपिक में वन बाय वन आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आप शुरू से, मैं हमेशा जो भी आप टॉपिक पढ़े, 20 से नहीं पढ़े, एवरी टॉपिक को मेरे फर्स्ट वीडियो से उसका टॉपिक पढ़कर लास्ट टॉपिक तक आप सारे वीडियो मेरे कवर कर सकते हैं और सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं वीडियो के साथ। अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं कुछ आज आपको जनरल ऐसे बेसिक टॉपिक लूंगा जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो जेट हो, चाहे ICER हो, चाहे CUET हो, चाहे आपका नीट हो, या फिर मैं JEE की बात करूंगा। ऐसे टॉपिक जिससे बच्चों को केमिस्ट्री का जीरो लेवल से आपको बेसिक आना चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक जो बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता। किसी भी टीचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट पर आप चले जाइए, किसी भी कोचिंग पर चले जाइए, आपको ऐसे टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता जो मैं आपको केमिस्ट्री का जो बेसिक लेवल है, जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूँ जो केमिस्ट्री की एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसको लेकर आप अपन चलेंगे। कुछ टॉपिक हैं छोटे मोटे जिनको अपन आज क्लियर करेंगे, फिर जैसे जैसे हमारी क्लास जैसे जैसे रनिंग में रहेगी वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा डीप में चलेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान। देखिए जैसे जैसे जब बच्चा 10th के बाद जैसे 11th में आता है तो केमिस्ट्री के जस्ट लाइक 2 बुक आती है उसके पास, जिसमें उसके उस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंपल कार्बनिक रसायन जिसको हम नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, एक अकार्बनिक रसायन जिसको हम नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, और लास्ट एक और हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम भौतिक रसायन बोलते हैं। तो कुछ टॉपिक हैं जो अलग अलग टाइप के हैं जिसमें हम यहाँ पर सारे बेसिक टॉपिक ले रहे हैं। सबसे बेसिक टॉपिक जो एक बार जेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रसायन विज्ञान जो है उनके पितामह कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ें तो हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि उसका फादर कौन है। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा हमारा फादर ऑफ केमिस्ट्री। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन यूज करूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जिसको हम बोलते हैं बेटा रसायन विज्ञान के पितामह। मैं आपको बता दूं ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहा है उसको ये नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फादर ऑफ जो केमिस्ट्री है वो है बेटा एंटोनी लेवोसियर। क्या बेटा? एंटोनी लेवोसियर। क्या नाम है इनका? एंटोनी लेवोसियर। एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो मैंने बोला ना मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बेसिक टॉपिक लगता है, लेकिन आप यही समझिए केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है आपके जीवन की, तो उसी से आप स्टार्ट करिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कौन है बेटा? एंटोनी लेवोसियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है आज के पढ़ने वाले वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? तत्व, और तत्वों की सारणी में हम एस और पी ब्लॉक की जो सारणी है उसको हम पहले याद करेंगे। एस एंड पी ब्लॉक एस एंड
पी ब्लॉक। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, इनका सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान बहुत अच्छा तरीका मैं समझाऊंगा आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने का। तीसरा टॉपिक हम बात करें यहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है इसकी बात अपन करेंगे। चौथा हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, एक हम पढ़ेंगे बेटा तुल्यांक की भार या जिसको हम परमाणु द्रव्यमान बोल रहे हैं उसी के अंदर एक टॉपिक और ऐड कर लेता हूं मैं, अणुभार। अणुभार और यहीं पर हम बात कर देते हैं वह तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार और उसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक लेंगे, ऐसे बेसिक टॉपिक जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेंगे, उसके बाद हम सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज उसमें पढ़ लेंगे। मैं आपको चाहे तो इंग्लिश में भी लिखा देता हूँ, इसको अपन बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास और इसका यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा एस एंड पी ब्लॉक पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल पेरियोडिक टेबल चलिए, और उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि परीक्षा की मैं बोल सकता हूँ परीक्षा के तत्व से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट लाइक जैसे मैं NaOH बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा कैसे याद किया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र सूत्र सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फॉर्मूलास ठीक है बेटा, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बेटा इनकी, यहाँ पर बात करें बेटा हम सबसे पहले हम लेंगे एटॉमिक मास, उसके बाद हम लेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास और एंड उसके बाद लेंगे हम बेटा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एस और पी ब्लॉक को समझाते हैं, उसके बाद एस और पी ब्लॉक के बाद हम उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ठीक है बेटा। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वों की सारणी के बारे में, कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम इन सारणी को बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यही मान के चलता हूँ कि आपने इस सारणी को पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बेसिक बात बता दूँ कि तत्वों की सारणी के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें सबसे लास्ट जो तत्वों की सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत है वो दिया था बेटा यहाँ पर जो लास्ट मोजले थे। मैं यहाँ पर बात करूँ तत्वों की सारणी के बारे में तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता ये पूछा जाता है, जो कि 8% हमारी जो बुक है उसमें दिया हुआ है और उसी को हम पढ़ते हैं। जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं बेटा फादर ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, फादर ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सारणी के बारे में बताया था, जस्ट लाइक सबसे पहले हमारे पास एंटोनी लेवोसियर थे, उसके बाद यहाँ पर डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, डी चेनकोटॉइस और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग यहाँ पर सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे अंतिम सिद्धांत जो 8% हम पढ़ते हैं वो है बेटा यहाँ पर हेनरी मोजले। क्या है बेटा? हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी का जो आधार रखा था वो आधार क्या था ये भी पूछा जाता है। हेनरी मोजले की आवर्त सारणी का जो आधार था वो आधार क्या था
जिसको हम बेस बोल सकते हैं, उनका बेस था बेटा यहां पर परमाणु क्रमांक। क्या था बेटा? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। अभी तक जितने भी सारे साइंटिस्ट थे किसी ने भी एटॉमिक नंबर की बात नहीं की थी। अभी तक जो साइंटिस्ट थे वो सभी यही बोल रहे थे कि इनका जो ऑर्डर जो होगा, जो व्यवस्थित जो क्रम होगा, वो या तो किसी परमाणु भार के आधार पर होगा या उनकी रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर होगा। लेकिन हेनरी मोजले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरी तरह से इन सब शब्दों को हटाया और बोला कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो हमेशा परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जस्ट लाइक पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एंड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हम पेरियोडिक टेबल की बात करेंगे। तो पेरियोडिक टेबल में सबसे पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक टोटल हम बात करें तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की बेटा? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और 118 तत्व का नाम है ओजी, ऑर्गेनोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या नाम है बेटा? ऑर्गेनोसोम। 118 तत्व का नाम क्या है? ऑर्गेनोसोम। अभी हम पूरी टेबल तो नहीं बनाएंगे, जस्ट लाइक हम एस और पी ब्लॉक को यहाँ बिल्कुल याद करेंगे, क्योंकि एस और पी ब्लॉक हमारे पूरी आवर्त सारणी के अलावा ऐसे बहुत सारे कॉमन टॉपिक होते हैं जहाँ इनको हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे याद करते हैं उसकी ट्रिक भी बताता हूँ और उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो जो टॉपिक हैं सॉरी इम्पोर्टेंट जो जो पॉइंट्स हैं उनकी बात भी अपन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तत्वों की आवर्त सारणी। देखिए एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। हमारी आवर्त सारणी में अभी जो वर्तमान में आवर्त जो सारणी है उसमें 7 पीरियड हैं जिनको हम आवर्त बोल सकते हैं। क्या बेटा? 7 पीरियड हैं, 7 पीरियड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अभी एट परसेंट हमारी आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ये आवर्त मैं यहाँ पर नीचे एरो कर रहा हूँ और वर्ग जो है वो हमारे इधर हैं जिनको मैं यहाँ पर कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा तुम्हें आइडिया रहेगा। ये क्या है बेटा? हमारे वर्ग हैं। ये प्रथम वर्ग हैं, ये द्वितीय वर्ग हैं, ये तृतीय वर्ग नहीं है क्योंकि थर्ड वर्ग से 12वें वर्ग तक के जो तत्व होते हैं वो बीच में डी ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद 13वां वर्ग, ये कौन सा बेटा? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18। 18वें वर्ग को हम जीरो वर्ग भी बोलते हैं। अभी वर्तमान आवर्त सारणी में हमारे टोटल कितने वर्ग है बेटा? 18 वर्ग हैं। पहला और दूसरा वर्ग जो है वो हमारे एस ब्लॉक के तत्वों का है। वो कौन से बेटा? एस ब्लॉक के तत्वों का है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो हमारे तत्व हैं उसमें एस ब्लॉक के तत्वों का वर्ग कौन सा है बेटा? ये कलर दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अपन ये कलर ले लेते हैं। ये कौन सा बेटा? एस वर्ग। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये हमारा पी ब्लॉक है। कौन सा बेटा? पी ब्लॉक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये है हमारा पी ब्लॉक और ये है बेटा हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, समझ जाओगे ना आप? एस ब्लॉक। चलिए अलग अलग कलर में, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अच्छा लगता है दिखने में। आजकल सभी क्या डिजिटल हो गया है तो हमें
उस तरफ थोड़ा सा जाना पड़ता है ताकि बच्चा थोड़ा सा देखे तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, इसीलिए। चलिए, ये है हमारा 16वां, ये है हमारा 17वां और ये है हमारा 18वां वर्ग, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं हमारे वापस एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक जो कि हमारे प्रथम वर्ग और प्रथम आवर्त में उपस्थित है वो है बेटा हाइड्रोजन। कौन है यहाँ पर बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम को हम यहाँ लिखते हैं, हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उसके बाद लगभग आपको 1 से लेकर 30 तक तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक हमेशा याद रखने चाहिए, अगर आप जेट कर रहे हैं तो। बाकी मैं अगर बोलूँगा तो पूरी टेबल आपको याद रहनी होनी चाहिए, चाहे वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो और एफ ब्लॉक हो। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको याद करने हैं और उसके साथ साथ उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग उनकी पोजिशन तक, उसकी जो पोजिशन है उसकी स्थिति क्या है पीरियोडिक टेबल में वो भी आपको याद होनी चाहिए। अब जस्ट लाइक मैं पहला ग्रुप है, मैं एक बार एलिमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। ये सोडियम है आपका, ये है हमारा सब बिंदास से चलिए, ये थे हमारे एस और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के टोटल जो तत्व हैं वो आप काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और हीलियम भी हमारा एस ब्लॉक का तत्व है। सर क्यों है? दिमाग में ऐसा पिक्चर आ रहा होगा आपके, क्यों है? इसका रीजन मैं बता देता हूँ। किसी भी ब्लॉक का तत्व की डेफिनेशन क्या होती है? यदि कोई तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाता है वो उसी ब्लॉक का तत्व होता है। जैसे एस ब्लॉक, जैसे हीलियम जो है, हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसको हम एस में ही लिखा जाता है या एस में ही भरा जाता है। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबसेल दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। सभी एलिमेंट की, सभी ब्लॉक की डेफिनेशन यही है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक पे जाता है वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ये जो है हमारा एस ब्लॉक है और ये है हमारा पी ब्लॉक है। हम बात करेंगे यहां पर इनको याद करने की ट्रिक, कैसे याद करा जाता है। देखिए ये सिंपल सी ट्रिक है, आपने कई बार पढ़ी भी होगी, लेकिन मैंने बोला जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जो पहली क्लास पढ़ रहा है केमिस्ट्री की, उसके लिए है। इसको बोलते बेटा हलीना की रब से फरियाद। क्या बोलते हैं? हलीना की रब से फरियाद। आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे होते बेटा? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व बहुत कम मिलते हैं प्रकृति में। सीजियम एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार सबसे अधिक होता है।
पूरी आवर्त सारणी में अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक परमाणु आकार किसका होता है, तो सीजियम का होता है। किसका होता है बेटा? सीजियम का। तो याद रखें, हलीना की रब से फरियाद। इस फर्स्ट जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बेटा क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। हम बोल सकते हैं इसको बेटा एल्कलाई मेटल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एल्कलाई मेटल। रेडियो एक्टिव इसमें ही बोलते हैं। मैक्सिमम एटॉमिक साइज, यस। सेकंड ग्रुप देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या टेक देखा वापस? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है बेटा, सिंपल सा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। नेक्स्ट देखिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये केमिकल नेम नहीं है, ये तो हम क्या सिंपल इनकी याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि बच्चा कई बार इतने सारे एक साथ याद नहीं कर पाता है। बच्चा जब केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास में बैठता है तो इनको देखकर घबरा जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है जिनको सिंपल तरीके से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाएगी। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम बोलते हैं इनको। कहे सीता जी सुनो प्रभु, C4। कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN को हम क्या बोलते हैं बेटा? टिन। और PB को बोलते हैं लिड। SN है टिन, PB है लिड। SN और PB, लिड और टिन दोनों मिलकर क्या बनता है? सोल्डर, वेल्डिंग में जो हम काम में लेते हैं उस धातु का इन दोनों को मिलाकर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। क्या बेटा? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। क्या बोलते बेटा? बिस्मिथ। SB का नाम याद रखें, इसको एंटीमनी बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? एंटीमनी। और देखिए, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। नेक्स्ट, फिर कल बाहर आई आंटी। मैं जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूँ, ये केवल ट्रिक याद करने के लिए है, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। क्या बोलते बेटा इसको? एस्टेटिन। हे ना आमिर खान 0 रन, रन फॉर रेडोन है। हे ना आमिर खान 0 रन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन। क्या नाम है बेटा इसका? रेडोन। ये है जिनोन। अच्छा, ये सभी जो हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जो सारा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बेटा नोबेल गैस। क्या बोलते हैं बेटा? नोबेल गैस। या इसका एक नाम और है, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। इसको हम एरोजन भी बोलते हैं। ये नाम किसी को नहीं पता होगा, इसको हम एरोजन भी बोलते हैं। ये सारी नॉन रिएक्टिव गैस हैं जिसको हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये सभी अक्रिय गैस हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ये सभी कैसी है बेटा? यहाँ पर स्टेबल होती है। नेक्स्ट 17 ग्रुप की बात करें तो 17 ग्रुप को हम बेटा हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या हेलोजन गैसेस बोल सकते हैं, हेलोजन समूह बोलते हैं इसको, हेलोजन गैस। अगर आपको कोई पूछे हेलोजन क्या है तो सिंपल सी बात है, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है जो किसी क्षारीय धातु के साथ मिलकर क्या बनाती है बेटा? यहाँ पर सोल्ट बनाती है, लवण बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट 16 ग्रुप जो है, 16 ग्रुप को हम यहाँ पर चेल्कोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चेल्कोजन फैमिली बोलते हैं। बहुत सारे इसको इंग्लिश में केल्कोजन भी बोलते हैं, तो दोनों नाम सही हैं, चेल्कोजन या इसको हम केल्कोजन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते बेटा? केल्कोजन फैमिली। बाकी तो सिंपल है, 15 ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन परिवार। ये हमारा कार्बन फैमिली है, कार्बन परिवार। ये हमारा बोरोन परिवार, यस। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप आप देख रहे हैं इसको जरूर ध्यान रखें आप, जो सेकंड ग्रुप है पूरा उस ग्रुप को हम बोलते बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। इसको हम क्या बोलते बेटा? क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको क्या बोलते बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये ऐसी चीज है जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए। मैं बच्चों को दो ही चीज के लिए बात करता हूँ कि जो बेटा अगर कोई केमिस्ट्री वाकई में पढ़ना चाहता है और केमिस्ट्री उसको अगर सिंपल लगानी है
तो दो चीज बेसिक ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, ये एस और पी ब्लॉक आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अभी मैंने आपको याद करवा दी है हमेशा, क्योंकि जितने सारे मैक्सिमम टॉपिक हैं वो इन्हीं पर बेस होते हैं। जस्ट लाइक मैं बताता हूँ, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कुछ तत्व दे दिए जाते हैं, आपको पूछा जाता है इनका बढ़ता क्रम क्या होगा परमाणु आकार का, इनकी आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का बढ़ता घटता क्रम क्या होगा, इनकी धात्विक गुणों का घटता क्रम क्या होगा, इनकी विद्युत ऋणता का घटता क्रम क्या होगा। तो सारी जितनी भी प्रॉपर्टी पूछी जाती है वो यहीं से पूछी जाती है। तो अगर जब हमको इनका ऑर्डर पता होगा कि भैया ऊपर से नीचे जाने पर कौन कौन से तत्व हैं, बाएं से दाएं जाने पर कौन कौन से तत्व आते हैं, तो जब हमें ये टेबल हमें अगर याद होगी तो वो जो हमें एलिमेंट है उनकी पोजीशन देखकर हम उसका आंसर विद इन बहुत कम समय में हम उसको दे सकते हैं। यहीं पर एक चीज़ और लेके चलूंगा मैं यहाँ पर जो आपको याद करनी है, थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखिए, चलिए देखिए एक छोटी चीज़ और ध्यान में रखें यहाँ पर, इन सभी तत्वों के यहाँ पर पूछी जाती है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते बेटा हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे यहां पर आवर्त सारणी के बाद जब हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है, जिनको हम सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको उस टॉपिक के रिलेटेड में अंदर जाऊंगा, डीप में तो बहुत सारा है। आपको सिंपल अगर याद करना है इन तत्वों के बाह्यतम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए फर्स्ट जो है इसका एक नंबर, इसको दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, इस तरह से याद कर लें। मैंने क्या ट्रिक बताई अभी आपको, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जस्ट लाइक मैं बताता हूँ आपको। पूछा बेटा सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। आपको मुझे सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सल्फर के कितने हैं? छह हैं। आपको मुझे जिनोन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने हैं बेटा? आठ हैं। सिंपल, संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर लिख लिए। आप और एस और पी ब्लॉक के टेबल याद है तो ऊपर वन से लेकर आप क्या लिखें, एट तक नंबरिंग लिखें कंटिन्यू, तो आपको ये सारे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो जाएंगे। अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लिया तो फ्लोरीन के ऊपर कितना है? सात नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लास्ट इसमें एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारे क्लियर हुआ। कहाँ इससे रिलेटेड बातें होगी अभी मैं बोल सकता हूँ कि जो मैंने लिखा है क्या पता यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर आपके लिखा हो आवर्त सारणी तो आवर्त सारणी में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल मैंने हमेशा देखा है कि मैं कई बार बच्चों को मजाक मजाक में कुछ बातें वैसे ही बता देता हूँ, टॉपिक से रिलेटेड हटके भी बता देता हूँ कई बार जब मुझे याद आती है। तो मैं देखता हूँ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं उसी से बन जाते हैं। मैंने कई बार इसी बात देखी है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ मैं कभी कभी कुछ चीज़ें बताता हूँ तो आप कहीं पर उसको नोट कर लिया करें। तो ये जो चीज़ें हैं आपको यहां से भी कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड यहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी, सिंपल एग्जाम ऐसा भी आया था कि एसबी को, एसबी का क्या नाम है, एसबी तत्व का क्या नाम है, तो वहाँ पर बच्चों को ये तत्व का नाम नहीं पता होता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया एसबी को क्या बोलते हैं, एंटीमनी बोलते हैं। एसएन को हम क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक तो हमारा बेटा यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। और एक और है बेटा हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान, या बार भी लिख सकते हैं हम। देखिए इसको हम बोलते बेटा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास भी बोल दें, मास। और ये है बेटा हमारा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। और ये है बेटा हमारा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, चलिए देखिए एटॉमिक मास हमें
20 तक की बात करें तो एक से लेकर 20 तक परमाणु जो क्रमांक है उनका मास कैसे निकाला जाता है, कैसे याद करना है, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा अभी मैं। और उसके बाद जब एटम एटम जब मिलेंगे तो बनेगा आपका मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का जो हमें मास निकालना है वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक है तुल्यांक की मास, तुल्यांक की बार वो कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक मास की, परमाणु द्रव्यमान की, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। देखिए अभी हमें जब तत्व याद हैं तो हम उसका मास भी निकाल सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले दो बातें पता होनी चाहिए। यदि देखो केस नंबर वन, केस फर्स्ट क्या बेटा, यदि यदि परमाणु क्रमांक, यदि परमाणु क्रमांक सम संख्या में हो, किसमें बेटा, सम संख्या, सम संख्या हो, हम इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर, जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8। क्या नंबर हो बेटा, यदि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो, सम संख्या हो, तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इनटू टू करना है। बहुत सिंपल तरीका है, जो भी परमाणु क्रमांक है वो अगर सम संख्या में है, जस्ट लाइक उसका नंबर 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ है, तो उसका जस्ट डबल कर रहा है, उसको 2 से गुणा करेंगे तो डबल कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर उसका द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 4 होता है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, मैं मास बोल गया था इसलिए। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसका क्या हो गया, मास आ गया। और देखते हैं जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 6 होता है, तो 6 का जैसे हम डबल करेंगे तो डबल क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान आ जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो गया, तो 6 का जस्ट डबल किया तो कितना हो गया बेटा, 12 आ गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, 8 का जस्ट डबल किया तो कितना हो जाएगा बेटा, 16, 16 इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो जो भी परमाणु क्रमांक जो सम संख्या में है उसका जस्ट अपन ट्वाइस करें, उसका जस्ट हम डबल करें तो वो उसका क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर परमाणु भार आ जाएगा। दूसरा केस, केस नंबर 2 देखिए आप, यदि परमाणु क्रमांक, यदि परमाणु क्रमांक विषम हो, विषम जस्ट लाइक ओड नंबर हो, क्या बेटा, ओड नंबर, ओड नंबर जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से हो, ओड नंबर, तो क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक, सॉरी हाँ यस, परमाणु क्रमांक इंटू 2+1 करना है। इंटू 2 के बाद क्या करना बेटा, आपको प्लस में 1 करना है, ये जरूर ध्यान रखें। इंटू 2 के बाद आपको क्या करना है, प्लस में 1 करना है। यहां पर केवल मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, वहां पर मल्टीप्लाई करके प्लस में 1 भी करना है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं हम, लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, तो क्या लिखेंगे, 3 × 2+1 कितना हो गया बेटा, 7। जस्ट लाइक लिखा बेटा हमने सोडियम, सोडियम का कितना होगा, 11, 11 इंटू 2 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 23। तो ये जो आपके सारे फॉर्मूले हैं इससे हम 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक का मास निकाल सकते हैं। अगर आगे आप करोगे जैसा नहीं होगा, क्योंकि आगे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, तो आप ध्यान रखें केवल 1 से लेकर 20 तक। हाँ, उसमें भी कुछ अपवाद हैं, उस अपवाद को मैं यहाँ पर जरूर लिखाना चाहूँगा। अपवाद में कौन कौन है आप ध्यान रखें, एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1.008 होता है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे इसका यूज़ करेंगे केवल 1। नाइट्रोजन का
अकॉर्डिंग टू रूल्स 7 × 2 = 14 + 1 = 15 होना चाहिए, लेकिन इसका मास हम 14 यूज़ करेंगे। ऐसे ही क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होगा। कितना होगा बेटा? 35.5। तो ये जो एक्सेप्शन है इनको आप जरूर ध्यान रखें, ये जो हमारे अपवाद हैं इनको आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन जो होता है अपवादों में से आता है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आया हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देख लीजिए एक बार वापस आप। यदि परमाणु क्रमांक क्या हो बेटा? सम संख्या में हो तो उसका जस्ट डबल उसका मास होता है, और यदि परमाणु क्रमांक विषम संख्या में हो तो उसका डबल करके क्या करना, उसको प्लस वन करना है, वो उसका मास हो जाएगा। चलिए अब निकलते हैं आगे। आगे है हमारा बेटा आणविक द्रव्यमान। क्या टॉपिक है बेटा हमारा? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास। क्या बेटा? मॉलिक्यूलर मास। देखिए सबसे पहले एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। सबसे पहले बेटा CH4 का मास निकालना है, तो वेरी इजी। सबसे पहले कार्बन का मास निकालते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना बेटा? 6 का जस्ट डबल करेंगे, प्लस करेंगे यहां पर। उसके बाद क्या करेंगे? कार्बन का मास कितना है? 1, क्योंकि कार्बन का मैंने बताया था अपवाद होता है, और 1 है तो कार्बन कितने हैं? 4 से गुणा करेंगे, 6 × 2 = 12, 12 और 4 कितने हो गया? 16। अच्छा याद रखें, आणविक द्रव्यमान हो या परमाणु द्रव्यमान, इसकी यूनिट होती है यू, यू फॉर यूनिफाइड यूनिट। पहले इसकी मास थी बेटा AMU, एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता था इसको, अब लिखते हैं शॉर्ट में केवल यू। दूसरा देखिए H2O। देखिए जिसको समझ में नहीं आया वापस सेकंड टाइम देखिए, H2O का मास निकालना है तो क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहले हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है बेटा? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 से गुणा करेंगे इसको। उसके बाद वापस किसका द्रव्यमान लिखेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 8। 8 का जस्ट डबल करेंगे 16, तो कितना हो गया? 16। तो 2 + 16 कितना हो गया बेटा? 18। बोलो कितना मास आ गया इसका? 18। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए बेटा H2SO4। किसका बेटा? H2SO4। H2SO4 का मास निकालते हैं। बताइए हाइड्रोजन का मास मैंने 1 बताया, 1 × 2 करिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा करेंगे। सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता बेटा? 16। 16 का जस्ट डबल करिए कितना हो गया, या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो 32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। 8 का डबल करिए 16, और 16 को 4 से गुणा करिए। देखिए 2 + 32 + 64 काउंट करके देखिए, इनका मास है बेटा 98। तो इस प्रकार हम सभी का यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। हाँ, अगर कुछ अलग से आता है, 20 से अगर ऊपर किसी का मास आएगा तो वो आपको हमेशा गिवन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में आपको कहीं जरूरत पड़ती है कि भैया कॉपर का मास कितना है, जिंक का कितना है, आयरन का कितना है, तो आप टेंशन नहीं लें, उसका मास आपके उसमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। बट 1 to 20 तक आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आया था देखिए जरा, एक बार क्वेश्चन आया था C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान है क्वेश्चन आया था। ये आंसर देखिए आपका A 160, B 320, C 180, D 60। ठीक है, C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान है। द मास ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6 देखिए कितना है। सबसे पहले निकालते हैं C6H12O6 का मास निकालते हैं। देखिए जरा C6H12O6, यस, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 का जस्ट डबल कितना किया? 12। 12 को 6 से गुणा करेंगे क्योंकि एक कार्बन का 12 है, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 6। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1। किससे गुणा करेंगे? 12 से। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। 16 को किससे गुणा करेंगे? 6 से करेंगे। आप सभी काउंट करके देखना,
सोलचंग छन्यू जो भी है आपका टोटल आएगा यहाँ पर 180। कितना आएगा बेटा 180। बताइए टोटल मार्क्स कितना आ गया 180। कितना इजी क्वेश्चन है। हम कई बार ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं क्योंकि जब कहीं हम आगे बढ़ते हैं ना बस स्मार्ट स्टडी करते तो हम सोचते हैं ये ऐसे क्वेश्चन क्या आएंगे यार लल्लू पंजू, लेकिन नहीं, कई बार मेरिट में ऐसे क्वेश्चन ही हमें पीछे ले जा लेते हैं और इवन कई बार मैंने देखा टॉपर जो होते हैं उनको भी ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए ध्यान रखें एवरी छोटे छोटे से टॉपिक से ही हम बिल्डिंग अप बना सकते हैं। जब हमें बहुत बारीकी चीज़ें जब आएगी तब जाकर हम ऊंची से ऊंची हम यहाँ पर दीवार बना सकते हैं, मीनार बना सकते हैं। वो बोलते हैं ना बेटा कि घर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम महल बना रहे हैं तो उसके लिए हमेशा समय लगेगा और समय लगेगा तो महल बनेगा ऐसा कि लोग देखते रह जाएंगे। जिंदगी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया का काम है कहना, दुनिया की चीज़ों पर या कहने पर इग्नोर करना उसको सबसे जीवन का एक सबसे बड़ा फंडा बताइए, बताऊँ मैं आपको, जिंदगी में या जिंदगी का एक सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जिंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करते रहना। कोई कुछ भी बोले, दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो हमें नेगेटिविटी बातें करेंगे, कहाँ गया, क्या कोचिंग कर रहा है, क्या तेरे को सफलता मिलेगी, इतना पैसा लग रहा है, कहाँ चला गया, यही ठीक था, बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिविटी बातें करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा कहीं टारगेट है, तुम्हारा मकसद है, तुम्हारा मिशन है, तो तुम कभी पीछे मत हटना। जिंदगी में हमेशा जो पीछे हट गया वो वहीं रह गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन परिश्रम करते रहे वो कहीं ना कहीं तुम्हें, वो जो तुमने मेहनत की है उसका परिणाम कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर मिलेगा। और कोशिश करें कि फुल पहली बार में इतना एफर्ट लगाएं कि हमने जो जिस मकसद के लिए, जिस मुकाम के लिए हम यहाँ आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, वो हमें मुकाम हमेशा मिले। तो ये जिंदगी में हमेशा चीज़ें ध्यान रखें कि लोग कुछ भी कहें, हमेशा इग्नोर करना सीखें। लाइफ में हमेशा अगर आगे बढ़ना है ना तो इग्नोर करें, इग्नोर, फुल इग्नोर। कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया हो इग्नोर करो, आगे बढ़ो, हमेशा लाइफ तुम्हें सक्सेस देगी। ये जीवन का मूल मंत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखें, इग्नोर करना सीखें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हमने एक और पढ़ा है बेटा यहाँ पर तुल्यांक की बार। क्या बेटा हमारा तुल्यांक की बार, देखिए तुल्यांक की बार जिसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ये भी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा दिक्कत करता है। बहुत इजी है, मैं समझा देता हूं इसको, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखिए तुल्यांक की भार क्या होता है, ऐसा तत्व जो जितनी संयोजकता रखता है, संयोजकता का मतलब ये होता है कि बेटा कोई भी ऐसा तत्व जो किसी के साथ बॉन्डेड हो रहा हो, बॉन्डेड का मतलब ये है कि ऐसा तत्व जो अपना घर बोले तो अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक एक रूल है जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूँ, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए किसी अदर एलिमेंट से, दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है या लेन देन करता है या जो भी आपका ट्रांसफर करता है, वही उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर संयोजकता बोलते हैं। तो संयोजकता कितनी होगी वो भी अपन बात करेंगे। और उसके बाद ऐसे तत्व जो अम्ल हैं, क्षार हैं और जो लवण हैं उनकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, फिर उनका तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बेटा संयोजकता। क्या बात करेंगे बेटा, संयोजकता, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पर जो आपका तुल्यांक की भार जो होता है, तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार बराबर क्या होता है बेटा, अणुभार, अणुभार अपॉन संयोजकता, संयोजकता, हम इसको मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं बेटा, एन फैक्टर। अब हमें यह सीखना सर एन फैक्टर क्या है, ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, यही हमें सीखना। जब ये हमें मिल जाएगा तो हमें अणुभार तो हमने सीख लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तुल्यांक की भार हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहीं पर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि ये तो केवल फॉर्मूला है। हमारा टॉपिक है बेटा यहाँ पर संयोजकता। अब नया टॉपिक आ गया है इसी से रिलेटेड,
संयोजकता, जिसको हम क्या बोल सकते बेटा, वैलेंसी फैक्टर, या जिसको हम एन फैक्टर कह रहे हैं। देखिए संयोजकता, यदि यदि अम्ल हो, यदि कोई भी ऐसा यौगिक जो क्या हो बेटा अम्ल हो, क्या बेटा, इफ एन एसिड, यदि क्या हो बेटा कोई एसिड हो, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बराबर क्या है संयोजकता। यदि कोई भी ऐसा यौगिक जो क्या हो बेटा एसिड हो, तो उसके लिए संयोजकता क्या होगी, नंबर ऑफ एच आयन, नंबर ऑफ एच आयन, या मैं बोल सकता हूं बेटा एच प्लस आयन, एच प्लस आयन जो होंगे वो उसकी क्या होगी वैलेंसी होगी। देखिए कैसे, देखिए जरा आपको दिख तो रहा है ना, ठीक। देखिए सबसे पहले एग्जांपल बात करें HCl, देखिए HCl को अपन यहां पर अलग अलग करें तो H बनता है और एक आपका क्या बनता है बेटा यहां पर Cl बनता है। देखिए H+ की संख्या यहां पर कितनी है, तो 1, तो यहां पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। जस्ट लाइक H2SO4, H2SO4 को हम यहां पर अलग अलग करें डिसोसिएट करें तो 2H+ बनता है और SO4 -2 बनता है। बोलिए इसकी संयोजकता यहां पर कितनी हो गई, दो हाइड्रोजन है तो संयोजकता कितनी हो गई 2। बहुत इजी है। यदि कोई तत्व जिसकी यहां पर H+ की आयन जितने होंगे वो उसकी क्या होगी बेटा, यहां पर उसकी संयोजकता होगी H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन, और H+ आयन ही हमें डिनोट करता है कि वो क्या है एसिड है। आगे बढ़िए, दूसरा है बेटा यहां पर यदि यदि क्या बेटा क्षार हो, बेस हो, यदि इफ एनी बेस, इफ एनी बेस। चलिए बेस के लिए हमें क्या देखना है, बेस के लिए हमें देखना बेटा एन इजिकल टू ओ एच माइनस आयन की संख्या, ओ एच माइनस आयन की संख्या, नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन, नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन कैसे देखते हैं जरा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारा एन ए ओ एच, एन ए ओ एच, एन ए ओ एच को डिसोसिएट करें तो एक बनता है एन ए प्लस और एक बनता है बेटा ओ एच माइनस। बताइए ओ एच माइनस की नंबरिंग कितनी है 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। और देखिए जैसे हमने लिखा बेटा ए एल ओ एच का होल थ्राइस, ए एल ओ एच का होल थ्राइस, इसको डिसोसिएट करेंगे क्या बनेगा एल प्लस 3 प्लस 3 ओ एच माइनस। बताइए ओ एच कितना है यहाँ पर 3 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो ऐसा कोई भी क्षार जिसमें जितना नंबर उसका ओ एच का होगा वही उसका क्या होगा बेटा यहाँ पर उसका वैलेंसी फैक्टर, बेस के लिए क्षार के लिए। और ओ एच माइनस आयन ही हमें क्षार की परिभाषा देता है, उसका आइडेंटिफिकेशन ही ओ एच माइनस ही है क्षार का। दूसरा केस, थर्ड केस देखिए बेटा, यदि यदि ना तो अम्ल हो ना क्षार हो, तो तीसरी पोजीशन कौन सी होगी, उदासीन हो, लवण हो, यदि लवण हो, लवण बोले तो यदि क्या हो बेटा यहां पर उदासीन तत्व, उदासीन, कोई भी उदासीन यौगिक हो तो उसके लिए क्या होगा, यदि यहां पर मैं दी की मात्रा मैंने शायद गलत बनाई होगी, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दें आप, यदि, चलिए क्योंकि साइंस में मात्राओं का इतना ज्ञान नहीं होता है, फिर भी अपन जहां तक सुधार है वहां कर सकते हैं। लवण, लवण इज इक्वल टू इफ एनी सॉल्ट, एनी सॉल्ट भी हो सकता है या एनी न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल कंपाउंड। जस्ट लाइक एन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, एन इज इक्वल टू क्या करेंगे यहां पर नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। धन आयन और ऋण आयन की संख्या, धन आयन या ऋण आयन की संख्या, धन आयन या ऋण आयन की संख्या, की संख्या, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, ठीक है। कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, NaCl जिसमें आपका कौन नहीं होगा बेटा Na भी नहीं, आपका H भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा आपका OH भी नहीं होगा। NaCl, देखिए NaCl में ना तो H है ना OH है, इसको डिसोसिएट करिए क्या बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। देखिए Na प्लस प्लस का भी वन आयन है और Cl का भी वन आयन है, मतलब धन आयन और ऋण आयन की संख्या हमेशा समान होगी। याद रखिए आप, हमेशा
यदि लवण होगा तो लवण में हमेशा धनायन और ऋणायन की संख्या हमेशा समान होगी, और यदि समान है तो बताइए कितनी है, वन। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, यहां पर वैलेंसी फैक्टर हो गया। जस्ट लाइक और बताता हूं मैं, जैसे जैसे AlCl3 का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, Al+3 हो गया और 3Cl- हो गया। तो माइनस का भी तीन चार्ज है और प्लस का भी तीन चार्ज है, बोलो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, थर्ड। K2SO4 हो गया, 2K+SO4-2, वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 2। एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्या है, K4FeCN6 इसकी संयोजकता कितनी है, देखिए है ना मजेदार, K4FeCN6। देखिए K4FeCN6 कैसे ब्रेक करते हैं, ये होता बेटा 4K+ में और यहां पर क्या ब्रेक होगा, FeCN6 और ऊपर चार लग जाएगा -4, ये -4 है। ठीक है बेटा, देखिए K4 तो आपका ब्रेक हो गया 4K+ में, बट FeCN6 कभी भी ब्रेक नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। उपसंयोजक यौगिक वो होते हैं जिनको जल में डालने पर वो अलग अलग आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं उपसंयोजक यौगिक। तो 4K+ तो आपका काउंटर आयन होता है, जस्ट लाइक जिसको हम आयनिक लवण बोल सकते हैं, जो कि बाहर की तरफ होता है आयनिक मंडल में, वो ब्रेक होगा। अंदर वाला FeCN के साथ बंधा हुआ है उपसंयोजक बंध से, जो कि कभी ब्रेक नहीं होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी, देखिए या तो -4 है या 4 क्या है बेटा आपका प्लस का है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो हमेशा कितना होगा, 4 होगा। ये भी एक सोल्ट है, ध्यान रखें, एक सा सोल्ट जिसका वैलेंसी फैक्टर कितना बेटा, यहां पर भी आपका 4 है। ठीक है, ये थी हमारी कुछ बेसिक बातें जिससे हमने यहां पर केवल पढ़ा है संयोजकता। अभी हमारा टॉपिक जो है तुल्यांकी भार, वो नहीं हुआ है। अभी तुल्यांकी भार का जो फॉर्मूला था हमारा, अनुभार अपॉन संयोजकता, वैलेंसी फैक्टर जो है वो हमने यहां पढ़ा है, जिसको हम एन फैक्टर से डिनोट करते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है मेन, उस टॉपिक पर ही आते हैं। टॉपिक था बेटा हमारा तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार बराबर क्या था बेटा, अणुभार अपॉन संयोजकता। संयोजकता भी बताई मैंने, किसी भी अम्ल के लिए H+ आयन, किसी भी क्षार के लिए OH- आयन और किसी भी लवण के लिए धनायन या ऋणायन की संख्या दोनों में से एक होगी और हमेशा वो इक्वल ही होती है। जैसे देखिए H2SO4, या सबसे पहले सिंपल बात करें HCl। आपको पूछा सर HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा, देखिए सबसे पहले HCl का हम अणुभार निकालें, बोलो HCl का हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1। Cl का मैंने आपको बताया कितना होता है, 35.5, बोलो कितना हो गया, 36.5, ये तो हो गया उसका अणुभार। बोले HCl को हम डिसोसिएट करें तो किसमें टूटता है, H+ और Cl- का, बोले एन फैक्टर इसका कितना हो गया, 1। बोले 36.5 में 1 का डिवाइड करिए, बोलो कितना आंसर आएगा, 36.5। जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो, जिसकी संयोजकता 1 हो, उसका अणुभार और उसका तुल्यांकी भार हमेशा सेम रहता है। और देखिए एग्जांपल नंबर 2, मुझे पूछा बेटा NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा, क्या पूछा है, NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो सबसे पहले इसका अणुभार निकालें, यस, सोडियम का परमाणु भार होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। टोटल काउंट किया तो इनका कितना हो गया, 40। NaOH को हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनता है, Na+ और OH-। बोलिए 40/1 करेंगे, इक्विवेलेंट वेट बराबर हम करें 40/1, तो बोलो कितना आएगा, 40। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट हमेशा सेम रहता है। अब ऐसा एग्जांपल जिसका थोड़ा सा डिफरेंट है वो भी बता देते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल, देखिए H2SO4 को डिसोसिएट करिए क्या बनेगा, देखिए 2H+ बनता है और प्लस SO4-2। बोलिए इनका n फैक्टर कितना है, 2, क्योंकि H+ आयन कितना बेटा, 2। अब देखिए इनका मास निकालते हैं, हमने अभी बताया H2SO4 का मास निकालते हैं, तो H2SO4 का मास कितना होगा बताइए, हाइड्रोजन का हो गया बेटा 2, सल्फर का हो गया 32 और इसका हो गया 64, अपॉन किसका डिवाइड करेंगे, 2 का। 98 टोटल मास आ रहा है, 98 में आप किसका करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो बताइए 49 इसका क्या रहा है, इस बार इक्विवेलेंट मास पर रहा है। तो यहां पर जो मास हो गया आपका 49 आया है,
तो हम समझ गए बेटा, जिसका जो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी संयोजकता पे डिपेंड करता है। और संयोजकता हम निकालना सीख गए तो हमको तुल्यांक की बार भी आना हम सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए ये था हमारा सेकंड टॉपिक जो कि हमारा परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांक की बार से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखिए, हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा, मैं अभी आपको जो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो तो बहुत इजी है, वो तो हम इजी में सीख पाएंगे। और तुम अगर बोलो तो चलो सीख ही लेते हैं। चलिए, अगर हमने लिखा है टॉपिक तो सीख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन को पी से लिखा जाता है, न्यूट्रॉन को एन से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को ई से लिखा जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। देखिए, हम सबसे पहले किसी भी तत्व को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक्स से। एक्स के यहां पर मैंने लिखा है ए और यहां पर लिखा है बेटा जेड। एक्स जो है हमारा क्या है? एक तत्व है, एक एलिमेंट है। जेड जो है हमारा यहां पर परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और ए जो है यहां पर हमारा परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, जिसको हम यहां पर किसे बेटा एटॉमिक मास से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखिए, जब हमें ये तीन चीज पता है तो बाकी चीजें भी हमें इजी वे में पता चल जाएगी। कैसे करते हैं देखिए जरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करें सबसे पहले बेटा यहां पर प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या इसकी बेटा प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन को हम पी से लिखेंगे। पी इक्वल टू क्या होता है? परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होगा वो हमेशा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। क्या होगा बेटा? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमेशा उसका क्या होगा बेटा, यहां पर हमेशा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। दूसरा, दूसरा हम पढ़ते बेटा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है P4 प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो न्यूट्रॉन नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ए माइनस जेड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ए माइनस जेड। ए माइनस जेड का मतलब समझिए, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक क्या करना है? माइनस करना है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। और तीसरा बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाला होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? यह बहुत इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसके तीन तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के कितने बेटा? तीन तरीके हैं। कैसे हैं अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसके तीन तरीके हैं। सबसे पहले यदि यदि तत्व कैसा बेटा? उदासीन हो। यदि तत्व उदासीन हो तो कैसे निकालते हैं? दूसरा केस कैसा है? यदि तत्व धनावेशित हो। धनावेशित मतलब यदि तत्व कैसा बेटा? पॉजिटिव चार्जेबल हो, पॉजिटिव हो। यदि तत्व धनावेशित हो। और तीसरा केस क्या बेटा? यदि
यदि तत्व ऋण आवेशित हो, ऐसा हो ऋण आवेशित। देखिए उदासीन, उदासीन के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है बेटा, पी, पी फोर प्रोटोन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बराबर किसके बराबर होगा, प्रोटोन के बराबर। अच्छा प्रोटोन क्या है, प्रोटोन जो है वो किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर है। अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल, चलो समझा भी देते हैं, या अभी एक एग्जाम्पल कॉमन तीनों लेके समझाऊंगा ये। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यदि तत्व धनावेशित हो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटोन माइनस धनावेश, प्रोटोन माइनस क्या करना है, धनावेश करना है। और यहां देखिए यदि तत्व ऋणावेशित हो तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक, या परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, प्रोटोन से, प्रोटोन प्लस ऋणावेशित करना है, प्रोटोन प्लस क्या करना बेटा, ऋणावेश करना है। देखिए जस्ट लाइक इधर देखिए, मुझे पूछा है बेटा हाइड्रोजन है, और मुझे पूछा बेटा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बताइए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एक। परमाणु क्रमांक उसका क्या है, प्रोटोन नंबर है, और प्रोटोन कैसा है बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका परमाणु क्रमांक एक है, तो बोलो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, वन हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इधर आइए सेकंड केस देखिए, यह है हाइड्रोजन, और इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है, प्लस का वन चार्ज लगा हुआ है। आपको पूछे इस हाइड्रोजन एच प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, एच प्लस का मतलब क्या हो गया, धनावेशित है, धनावेशित है तो बोलो क्या लिखेंगे, प्रोटोन, प्रोटोन बराबर क्या कर, माइनस धनावेश, प्रोटोन क्या होता है परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक इसका एक होता है, धनावेश कितना है वन, तो वन माइनस वन करे बोलो कितना हो गया, जीरो। एक तो था इसका परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को हम प्रोटोन बोलते हैं, और प्रोटोन में से कितना करना है, धनावेश माइनस करना, धनावेश कितना है एक, एक बराबर क्या कर दिया, जीरो। इधर आइए एच माइनस कर रखा है, बोलिए प्रोटोन की संख्या कितनी है, वन, वन कर दी, ऋणावेश कितना है वन, वन जोड़ दिया बोलो कितना हो गया, दो। तो बहुत सिंपल तरीका है, ऋणावेश को जोड़ना है, धनावेश को कम करना है, और न्यूट्रल में कोई चेंजेज नहीं करना है, धनावेश को माइनस करना है, किस में से, नंबर ऑफ प्रोटोन में से, प्रोटोन क्या है परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक में से धनावेश को माइनस करना है, ऋणावेश को जोड़ना है, और न्यूट्रल में एज इट इज जो है वही रखना है। और देखिए एग्जाम्पल जस्ट लाइक मैंने लिखा बेटा सोडियम, आपको जो सोडियम में कितने परमाणु हैं, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु क्रमांक कितना है 11, बोले कितना हो गया 11, परमाणु क्रमांक है तो 11 ही उसका क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ लिखें देखें सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, 11 में से एक माइनस करना है, क्यों करना है, क्योंकि एक धनावेश लगा हुआ है, बोलो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हो गए। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जैसे क्लोरीन माइनस लिखा, बोलो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17, 17 में से एक घटाना नहीं है, इस बार प्लस करना है, क्योंकि माइनस को प्लस करना है, बोलो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो धन आवेश को कम करना है और ऋण आवेश को जोड़ना है, वही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए यदि कोई तत्व एक्स जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः सोलह व अठारह है, तो वह तत्व एक्स होगा। देखिए क्या होगा, ऑप्शन है हमारे सामने, ए मैग्नीशियम प्लस टू, ऑप्शन बी है बेटा हमारे पास सल्फर माइनस टू, ऑप्शन सी है सिलिका माइनस टू,
और ऑप्शन डी है बेटा यहां पर फ्लोरीन माइनस, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन है। अब आइए एक्स, ये लिखा बेटा एक्स हमारा तत्व। प्रोटोन, प्रोटोन कितना है 16, ये प्रोटोन कितना है 16। न्यूट्रॉन कितना है 16। चलिए इलेक्ट्रॉन कितना है 18। ठीक है, प्रोटोन को कहां लिखा जाता है यहां पर, और प्रोटोन क्या होता है बोलो, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 16। बोलो 16 किसका है, हम देखेंगे तो 16 परमाणु क्रमांक किसका आता है, सल्फर का आता है। सल्फर को किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। बोलिए ऑप्शन में कोई है, कोई नहीं है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बोलो सल्फर हो गया। ऑप्शन आगे करना ही नहीं है, जब हमें एक ही बार में आंसर आ रहा है तो हम उसको पूरा सोल्व क्यों करें, हमें आंसर डायरेक्ट ही पता चल गया सर सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वही नंबर ऑफ प्रोटोन होता है। अब प्रोटोन बराबर है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो हमें किसी काम में लेना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन 18 है तो बोलो यहां पर कितना चार्ज होगा, -2 होगा, तभी तो 16 में 2 जोड़ेंगे और 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया, क्योंकि जब माइनस का चार्ज होता है तभी उसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो बोलिए यहां पर सल्फर जो है उस पर -2 चार्ज है और 16 है और यहां पर कितना है 32 है, तो टोटल आंसर हमारा ये होगा। 32 क्यों लिखा कि 16 और 16 परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन संख्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनता है यहां पर परमाणु द्रव्यमान बनता है। द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। कितना इजी सिंपल क्वेश्चन है कि जो बच्चा इतना कंफ्यूज होता है कि सर ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं, बहुत 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 सिंपल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो कि आपको सिंपल वे में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हम किसी भी तत्व की यहां पर उसकी संयोजकता से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। चलिए ये था हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसका एक क्वेश्चन और करेंगे हम क्योंकि हमने उसको क्लियर नहीं किया। जस्ट लाइक मैं इधर देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर 12 मैग्नीशियम 24 प्लस 2, यहाँ पर लिखे हम यहाँ पर एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम 13 27 प्लस 3, यहाँ पर लिखा बेटा हमने सोडियम, यहाँ पर लिखा 11 और यहाँ लिखा 23, यहाँ पे लिखा क्लोरीन माइनस और यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे लिख लिया हमने 17। अच्छा क्लोरीन को हटा देते हैं हम, यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं एक, जस्ट लाइक हमने ले लिया यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन के 9 है और ये 20 हो गया, ये माइनस है और हमने ले लिया यहाँ पर, और हम चाहे तो कार्बन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यस, इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तीनों में क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन तो सब में ये है, प्रोटॉन सब में क्या बेटा आपका, जो आपका नीचे जो आपका परमाणु क्रमांक है वो ये वाला जो आपका 12, 13, 11 और 9 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन ही हमेशा परमाणु क्रमांक होता है। बोलिए प्रोटॉन इसमें कितना है 12, इसमें कितना है 13, इसमें 11 और इसमें 9। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 24 माइनस 12 करेंगे, 27 माइनस 13 करेंगे, 23 माइनस 11 करेंगे और 20 माइनस 9 करेंगे। बोलो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। बोलिए 24 में से 12 गए कितने बचे 12, यहां पर देखिए 27 में से 13 गए तो कितने बचे 14, यहां पर 23 में से 11 गए तो कितने बचे 12 और यहां से 20 में से 9 गए तो कितने बचे 11। तो सिंपल है, यहां पर हम किसी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने के लिए उसके परमाणु द्रव्यमान में से माइनस करते हैं। अब आइए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है आपके परमाणु क्रमांक माइनस धन आयन की संख्या, तो हम क्या करेंगे यहां पर 12 में से 2 घटाएंगे, बोलो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 10 हो गए। इधर देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं 13, 13 में से 3 जाएंगे कितने हो जाएंगे बेटा 10 हो गए। यहां पर देखिए यहां पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, जब कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ हो इसका मतलब उदासीन है
और उदासीन पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक जो 11 है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका न्यूट्रल चार्ज होने से उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इधर देखिए 9 इसका परमाणु क्रमांक है बट यहां पर माइनस का 1 चार्ज है और माइनस 1 को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 10। ये है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? सिंपल से गणित है। यहां पर धनायन की संख्या को कुल परमाणु क्रमांक में से माइनस करना है, ऋणायन की संख्या को जोड़ना है और जो आपके न्यूट्रल आयन है एज इट इज उनको ऐसा ही रखना है। ठीक है, ये छोटा सा एक टॉपिक और था हमारा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले। देखिए कुछ बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बताने में तो अथाह फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और बच्चा उनमें कंफ्यूज रहता है कि सर इनको हम कैसे याद करें, हमें दिक्कत आती है, एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, इनमें थोड़ा बहुत ही चेंजेज आता है, कैसे याद करें। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताऊंगा याद करने की, आप समझिए जरा। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। एक सूत्र है बेटा हमारे पास NaHCO3 और एक है बेटा हमारे सामने NaCl। बहुत सिंपल है, हम 9th क्लास से ये पढ़ते हैं। देखिए Na2CO3 को क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं बेटा डेका, H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। आजकल पेपर में इंग्लिश में ही लिखा आता है। डेकाहाइड्रेट को सर हिंदी में क्या बोलते हैं, तो 10 जल के अणु। बेटा ऐसा नहीं है, अब हिंदी वाला जो सिस्टम है थोड़ा थोड़ा अब इंग्लिश में चेंज हो गया है, तो आप ऐसे ही याद रखिए इसको। इसको सिंपल आप लिखिए डेकाहाइड्रेट और हाइड्रेट मतलब जल के अणु होते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते बेटा इसको? सोडियम कार्बोनेट। ये तो इसका केमिकल नेम है, इसका सामान्य नाम जरूर याद रखें। सामान्य नाम इसका क्या बेटा? इसको बोलते बेटा वॉशिंग सोडा। क्या बोलते बेटा इसको? वॉशिंग सोडा। हिंदी में भी वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं इसको, या सिंपल बोले तो धोने का सोडा। क्या बोलते बेटा इसको? धोने का सोडा। डिटर्जेंट जो होता है हमारा पाउडर, उसमें इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते बेटा इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इसको हम क्या बोल सकते बेटा, इसको और करके लिख रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो इसके रासायनिक नाम है, इसका सामान्य नाम क्या है? इसको हम बोलते बेटा बेकिंग सोडा। इसको क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। या इसको हम और किस नाम से बोल सकते हैं? इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं ना, खाने का सोडा जो घरों में खाने में यूज करते हैं ना बेटा, पकौड़ी वगैरह में इनमें यूज करते हैं खाने का सोडा। नेक्स्ट देखिए NaCl, इसको बोलते बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसका सामान्य नाम क्या है? इसको जो घरों में अपने नमक लेते हैं उसमें यूज करते हैं, इसको टेबल सोल्ट भी बोलते हैं, टेबल सोल्ट। सामान्य लवण बोलते हैं इसको। सामान्य लवण या एक और नाम है इसका, इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते बेटा इसको? रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये कुछ 3 फॉर्मे मैंने आपके सामने लिखे हैं, Na2CO3.10H2O, एक लिखा NaCO3 और एक लिखा बेटा हमने NaCl। पूछा जाता है कई बार
धोने का सोडे का सूत्र क्या है, वॉशिंग सोडे का सूत्र क्या है, और रोक सोल तो बहुत कम आता है। हाँ, लेकिन ये नाम इसलिए मैंने लिखा कि बच्चा इस नाम से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो मैंने नया नाम लिखा है इसलिए। Na2CO3.10H2 है, इसको हम क्या करें, अगर 373 केल्विन से उच्च ताप पर इसको गर्म करें, किस पर बेटा, 373 से उच्च ताप पर इसको गर्म करें, तो यहां से 10 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। कितने बेटा, 10 वाटर के मॉलिक्यूल पूरे बाहर निकल जाते हैं, और केवल क्या बचता है यहां पर आपका Na2CO3 बचता है। 10 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल चुके हैं, और अब जो बचा है वो कौन बचा है, केवल Na2CO3। इसको बोलते हैं विजलयोजित। देखो विजलयोजित, डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। देखिए एक नया वर्ड आया है, इसको भी मैं क्लियर करता हूं। विजलयोजित का मतलब होता है जिस किसी के आगे वी लग जाए, वो चीज हमेशा उसके जस्ट पीछे वाली चीज हमेशा बाहर निकलती है। जैसे कैसे, जैसे वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इंग्लिश में बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इंग्लिश में डी लगाते हैं आगे प्रीफिक्स में और हिंदी में वी लगाते हैं। तो वी का मतलब ये होता है कि वो चीज सर बाहर निकलती है। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन हेलोजन का बाहर निकलना, जैसे वी हेलोजनीकरण, हेलोजन का बाहर निकलना, वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। मेरी बात समझ में आ गई। और केवल ऐसे बोले कार्बोक्सिलीकरण, पहले मैंने क्या बोला था बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण, अब मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलीकरण। जब आगे वी या डी नहीं लगा हुआ हो, इसका मतलब होता है सर वो जुड़ता है। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हेलोजन का जुड़ना। मैं बोला हाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोजन और हेलोजन का जुड़ना। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इधर देखिए, अब इनको कैसे याद किया जाए, ये बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा, और यही आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा कि सर इनको कैसे याद किया जाए। देखिए सिंपल सी एक चीज है, हमें Na2CO3 में 10H2O लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, Na, ये सभी सोडियम के सारे अलग अलग कंपाउंड है, व्युत्पन्न है। मैं अपनी ही स्टोरी बताता हूँ, मैं बेसिकली उदयपुर से ही हूँ, लेकिन मेरे को काफ़ी टाइम उदयपुर हो चुका है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर कॉलेज नहीं था, तो कॉलेज में ट्वेल्थ करने के बाद हम यहाँ आए उदयपुर में पढ़ने के लिए आए कुछ फ्रेंड्स। तो हमने खाना बनाने के लिए क्या रखा था, एक आंटी रख रखी थी जिसको हम नॉर्मली बाई भी बोलते हैं, मेट भी बोलते हैं। तो खाना बनाने के साथ साथ वो हमारे कुछ कपड़े जो होती थी वो भी वॉश कर लेती थी, जिसमें टॉवल वगैरह बेडशीट वगैरह कुछ वॉश कर लेती थी। तो जो आंटी हमारा खाना बनाती थी, उनके घर में एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम ये था कि उनमें से किसी रिलेशन में उनके शादी थी, तो आंटी जी हमारे उस दिन घर पे आई, तो मेरे को बोला भैया मैं 4-5 दिन नहीं आऊँगी, और क्योंकि मेरे घर में शादी है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना खाने वगैरह का। मैंने कहा ठीक है, आपके घर में शादी है तो आपको जाना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आंटी जी चली गई, 2 दिन तक हमने जैसे जैसे एडजस्ट कर लिया, लेकिन ज़्यादा दिक्कत आने लगी। तो अगले ही दिन संडे आ चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना सैटरडे को मैं घर चला जाता हूँ, ताकि घर पे खाने की दिक्कत भी 2 दिन बाद आंटी आ जाएगी तो सॉल्यूशन हो जाएगा, खाना वहाँ आराम से खा पाएंगे प्रॉपर खाना, और कपड़े भी वहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो वहीं पर कपड़े लेके चला जाता हूँ, ताकि मम्मी को बोलूँगा तो वॉश कर लेगी। मैं मेरे सारे कपड़े लेके मेरे गाँव चला गया, घर चला गया। जैसे ही मैं घर गया, मैंने कपड़े निकाले तो मम्मी जोर से चिल्लाई, यहाँ कपड़े क्यों लाया तू, इतने सारे कपड़े यहाँ कौन धोएगा, तेरे को पता है गाँव में पानी की कितनी समस्या है, यहाँ कौन कपड़े धोएगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, पानी की समस्या है तो एक काम करता हूँ, बाहर हेडपम्प लगा हुआ है, कितने पानी की ज़रूरत है मुझे बता दीजिए। तो मम्मी ने सारे कपड़े देखे और कपड़े देख कर बोला कि मुझे 10 बाल्टी पानी चाहिए। इतनी सी बात है, मैं अभी जाता हूँ। मैं बाल्टी लेके गया और हेडपम्प से 10 बाल्टी पानी लेके आ गया। मैं कितने बाल्टी पानी लाया, 10 बाल्टी, और मम्मी ने सारे कपड़े वॉश कर लिए, कपड़े धो लिए। बोले धोने का सोडा, मम्मी ने कपड़े वॉश किए। बोले कपड़े वॉश करने में कितने बाल्टी पानी यूज किया था, बोलो कितना बाल्टी पानी था बेटो, 10 बाल्टी।
कितना बाल्टी पानी था बोलो, 10 बाल्टी पानी यूज किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 बाल्टी पानी लाए तो मम्मी ने कपड़े वॉश कर लिए। बोले वॉशिंग सोडे में कितने बाल्टी पानी यूज होता है, 10 बाल्टी पानी यूज होता है। फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, वॉशिंग सोडे का सूत्र है, पूछा क्या जाएगा, वॉशिंग सोडे का सूत्र है Na2CO3, केवल यही पूछा जाएगा। या सेकंड ऑप्शन होगा Na2CO3.5H2O, या पूछा जाएगा Na2CO3.7H2O, और डी ऑप्शन होगा Na2CO3.10H2O। तो आप एक चीज तो ध्यान रखिए कि बेटा वॉशिंग सोडा वॉश कर रहे हैं तो उसमें पानी तो चाहिए चाहिए, और पानी चाहिए तो सर ने बोला था कितने बाल्टी पानी चाहिए था, 10 बाल्टी पानी चाहिए। कितने बेटा, 10 बाल्टी पानी। 10 बाल्टी पानी से हमने कपड़े वॉश किए। ऑप्शन में आपको 10 बाल्टी पानी वाला एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है 10H2O, Na2CO3.10H2। बोलिए वॉशिंग सोडे का क्या सूत्र है, Na2CO3.10H2O। ओके, मम्मी ने सारे कपड़े धो लिए। अब मैंने सारे कपड़े क्या किए, मम्मी ने बोला मुझे सुखा दे, तो मैंने धूप में उसको सारे सुखा दिए, सारे कपड़े सूख गए। बोलो सुखाने के बाद उसमें पानी कितना बचेगा, जीरो। जैसे ही 373 केल्विन पर उसको हीट करते तो बोलो उच्च ताप पर सारा पानी बाहर निकल गया है। अब क्या बचा, Na2CO3। जैसे ही कपड़े सारे वॉश करके मैंने सुखा दिए, सारा पानी बाहर चला गया, सूख गया, फिर मैंने क्या किया, एस किया। क्या किया बेटा, एस किया। बोले तो किसका सूत्र ही है, सोडा एस। आजकल जमाना चेंज हो चुका है, आजकल बच्चों के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से स्टैंडर्ड हो चुके हैं। आजकल मोड जो है वो थोड़ा आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो चुका है। पहले पूछा जाता था वॉशिंग सोडे का सूत्र क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन आते हैं सोडा एस का सूत्र क्या है। किसका बेटा, सोडा एस का। तो वॉशिंग सोडा से ही हमें क्या याद रखना है, सोडा एस। मैंने कपड़े धोने के बाद जो सूखा है उसमें से 10 बाल्टी पानी रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद केवल क्या बचा, वी जल योजित सोडियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड सोडा एस। ये सोडा एस जिसका उपयोग समुद्री पौधों के राख में किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। सोडा एस, एस कब किया, जब पानी सारा कपड़ों से बाहर निकल चुका था। ओके, चलिए आगे बढ़े। मैं मेरे सारे कपड़े लेके, मैं जहां उदयपुर रहता हूँ, उदयपुर शिफ्ट हो गया, वापस आ गया कपड़े लेके सारे। अगले दिन आंटी जी आ गए। आंटी जी बहुत दिन बाद आए, तो मैंने बोला आंटी आपके हाथ का खाना नहीं खाया है यार, कुछ अच्छा खिलाइए। ये बोले भैया क्या खाना है। मैंने बोला एक काम करिए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी लहरें आ रही हैं, चिड़िया चहक रही हैं, और इसी हल्की हल्की बूंदों की बारिश के मौसम में आप हमें पकौड़े खिलाइए अच्छे से। बोले भैया ठीक है, बेसन तो पड़ा हुआ है, एक काम करिए आप सोडा लाइए। मैंने बोला ये कौन सा सोडा है। कि भैया बेसन में डालने का सोडा है, तभी तो आपकी पकौड़ी फूलेगी। अच्छा, मैंने बोला बेकिंग सोडा। कि हाँ, मैंने कहा अभी ले आता हूँ। तो बोलो कौन बना रही है हमारे घर में खाना, बाई। कौन बना रही बेटा, बाई। और बाई ने मुझसे क्या मंगवाया, बेकिंग सोडा। अरे बाई, बाई से याद रखिए बच्चों, बाई बाई क्या बनाती है, बाई खाना बनाती है। बोले खाना बनाने का सोडा किसमें काम आता है, बेकिंग सोडा। बोलो कौन है बेटा, बेकिंग सोडा। याद रखोगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। अरे भैया बाई जो होती है वो खाना बनाती है, खाना बनाने में कौन सा सोडा यूज करते हैं, तो सर खाना बनाने में बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बोलो बाई आ गया मतलब बेकिंग सोडा, याद रहेगा। अरे याद रहेगा ना, हमेशा याद रहेगा। चलिए, जैसे ही मैंने पकौड़े टेस्ट किए, मुझे थोड़ा सा उसमें टेस्ट कम लगा, मुझे स्वाद कम लगा। मैंने बोला आंटी जी थोड़ा स्वाद कम लग रहा है। कि भैया क्या हो गया, क्यों कम लग रहा है। मैंने बोला थोड़ा सा अगर इसमें NaCl डाल दिया जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा बेटा रोक हो जाऊंगा। बोलो रॉक सॉल्ट। और बोलिए रॉक सॉल्ट का सूत्र क्या है बेटा, NaCl। अरे अपने घर में जो लून वेवे, जो नमक वेवे, वो अगर नाक दां तो बोलो टेस्ट कैसा हो जाता है, मजेदार हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे
देसी भाषा में हम उसको लूण कहते हैं, क्या बोलते हैं? लूण। लेकिन रॉक सोल्ट, जैसे ही हमने नमक डाला और में क्या हो गया बेटा? रॉक हो गया। बोलो रॉक सोल्ट का सूत्र क्या है? NaCl। क्या बेटा? NaCl। चीजों को हमेशा ऐसी याद की जाए कि जिंदगी में कभी उसको नहीं भूला जाए। जब हम बूढ़े हो जाएं और हमारे बच्चे हमसे पूछे, हमारे पोते हमसे पूछे, अरे दादाजी दादाजी खाने बनाने का सोडे का सूत्र क्या है? अरे भैया, अरे बेटा इतना सा नहीं आता तेरे को? अरे खाना खाना कौन बनाता है? खाना बाई बनाती है। बोलो खाना बाई बनाती है, तो बाई से याद रखना है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। बोलो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसका सूत्र है? सोडियम बाई कार्बोनेट। कितनी सिंपल चीजें हैं जिसको बच्चा रात भर रटता है कि बेटा बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। बोलो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। अरे नहीं रटना है, चीजों को हमेशा कॉन्सेप्ट से याद रखें, एक बेस लेके चले। जीवन में कोई चीज कभी याद करनी है बेटा, रटना नहीं है उसको, हमेशा हमेशा ध्यान रखें उसको, हमेशा किसी कॉन्सेप्ट से लेके चले, उसका एक बेस बनाए अगर लॉन्ग टाइम चीजें याद रखनी है तो। बाकी कुछ चीजें क्या होती हैं, हमें 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 महीना याद रहती है, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस और इतनी सारे सब्जेक्ट की, इतने सारे टॉपिक, हमें उस समय सब आगे पीछे घूमता है, इधर उधर घूमता है। तो जब हमें चीजें किसी कॉन्सेप्ट से याद रहेगी, अभी देखो मैंने हर एक चीज आपको रटा ही नहीं है, एक भी चीज मेरे टॉपिक में मैंने एक भी चीज आपको रटा ही नहीं है, मैंने हमेशा किसी न किसी बेस से उसको याद कराया। और ये बेस ऐसा होता ना, जिंदगी में हमें कभी नहीं भूल सकते हम ऐसी चीजें। हम बूढ़े हो जाएंगे जब हम बहुत 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 ज्यादा इन चीजों को पीछे छोड़ चुके होंगे, फिर भी हमें ये चीजें कहीं ना कहीं उस समय याद हो जाएगी। बस यही चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा जो भी चीज याद करें। मुझे कई बार पूछा जाता है कि, मुझे एक बार बच्चा आया मेरे पास कि सर ओजोन दिवस याद नहीं होता है, ओजोन दिवस और ये दिवस हमें कंफ्यूज होते हैं, ओजोन दिवस कब आता है, विज्ञान दिवस कब आता है, एड्स दिवस कब आता है, हम कितना याद करेंगे? तो मैंने एक सिंपल तरीका खोजा। मैं जब रात को एक दिन सो रहा था तो मैंने बोला यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, यार इतने सारे दिवस हैं, कम से कम 50 से 100 दिवस आते हैं, उनको बच्चा कैसे याद करे? तो मैंने एक सोल्यूशन देखा, मैंने कहा यार आज के जमाने में बच्चों को उनके अपने जो पड़ोस में रहते हैं या जो खास क्लोज हैं उनकी फैमिली मेंबर वाले हैं, उनके बर्थ डेट, एनिवर्सरी या ऐसा कुछ डे तो हमें याद रहता है। तो मैंने एक दिन क्लास में बोला, मैंने बोला बच्चों एक काम करिए, आप सभी के फैमिली मेंबर जो हैं या जो जो आपके खास क्लोज हैं, आप उनका जन्मदिन की वाली डेट, बर्थडे डेट निकालिए जो आपको याद हो, किसी की एनिवर्सरी वाली डेट हो याद रखिए, या ऐसे कुछ स्पेशल डे जो आप याद रखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें याद रखी उन्होंने, तो मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया। मेरे एक दोस्त जो था उसका बर्थडे डेट है 16 सितंबर। मैंने बोला 16 सितंबर डेट है यार उस दिन? फिर मैंने कैलेंडर में जाके देखा कि कैलेंडर में कौन कौन से ऐसे डे हैं गवर्नमेंट वाले जो उस दिन आते हैं। तो मैंने देखा यार 16 सितंबर डेट आ रहा है, उस दिन तो ओजोन लेयर, ओजोन प्रोटेक्शन डे, ओजोन लेयर डे, ओजोन संरक्षण दिवस है। तो मेरे को उस दिन के बाद हमेशा के लिए याद हो गया कि जिस दिन मेरा दोस्त का बर्थडे आता है उस दिन कौन सा डे है, ओजोन परत संरक्षण दिवस है, ओजोन परत दिवस है, ओजोन प्रोटेक्शन डे। तो उस दिन के बाद मुझे जीवन में कभी ओजोन परत को अलग से याद नहीं करना पड़ा। 16 सितंबर आता है, 16 सितंबर परमानेंट याद हो गया। मैं खुद बात करूं, मेरे एक दोस्त का दिवस है 28 फेब्रुअरी, मुझे पता चला 28 फेब्रुअरी को विज्ञान दिवस आता है। मैं एक और मेरा दोस्त है जिसका दिवस आता है 1 दिसंबर, उसका बर्थ डेट आता है 1 दिसंबर के दिन, विश्व एड्स दिवस है, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स दिवस। तो मुझे परमानेंट वो चीज याद हो गई। मैंने क्या किया, उन सभी डे को मैंने किसी कॉन्सेप्ट पे लेकर उनको याद किया। तो मुझे पता चली धीरे धीरे मेरी चीजें जो है स्किप होने लगी, मुझे बहुत बड़ा जो सिलेबस दिख रहा था वो धीरे धीरे मेरे चीजों से स्किप होने लगा, वो परमानेंट चीजें मेरे यहां पर डाइवर्ट होने लगी, परमानेंट हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसको किसी बेस पर याद किया था। तो आप भी कुछ भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको टफ लग रहा है तो आप रटे नहीं उस चीज को लिए, आप उसको किसी कॉन्सेप्ट में लेके चले। आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आपसे चीजें धीरे धीरे हटने लगी हैं, आपकी चीजें परमानेंट हो चुकी, आपको उसको रिविजन करने का लिए भी आपको उसको नहीं समय देना पड़ेगा, परमानेंट हो चुकी वो चीजें। तो बेसिक चीजें मैंने आज जो आपको पढ़ाई है
वो बिल्कुल सिंपल केमिस्ट्री वाली चीज़ें पढ़ाई हैं, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली कोई बताता नहीं है, लेकिन ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। ये जो बेसिक चीज़ें जो मैंने आज पढ़ाई हैं, आपके एनी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जेट, आईसीआर, नीट, मैं किसी भी कंपनी एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर केमिस्ट्री है आपके सिलेबस में तो वो ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं, बहुत आवश्यक है और अनिवार्य है। ठीक है बेटा, तो आज मैं विदा लेता हूँ, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन आप इसको बार बार देखें तो चीज़ें याद हो जाएगी। जो चीज़ें मैंने आगे बढ़ाई हैं उनको स्क्रीन शॉट लेके आप जरूर नोट करें। अगली वाली क्लास में अपन इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।